मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, उसमें थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं सक्रिय होकर के गांव गांव लोगों को धैर्य दे, विश्वास दे। और मैंने कल भी कहा था, 8 तारीख रात को 8 बजे भी कहा था, मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18-18, 20-20 घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं भाई, छुट्टियां खत्म करके काम कर रहे हैं। घर में मां बहन कोई बीमार हो तो भी बैंक में काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस वालों ने तो अपनी कुर्सी के लिए 19 महीने देश को जेल खाना बना दिया था। मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की है। आप तकलीफ सहन करेंगे, मेरी मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करोगे, ईमानदारी की मदद करोगे। अरे जिस देश के गांव का लो व्यक्ति भी ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलता हो, तो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देश में अब बेईमानों के दिन खत्म होके रहेंगे, खत्म होके रहेंगे। एक बार भाइयों बहनों, आप सब खड़े होकर के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए इस पवित्र काम के लिए, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इस पवित्र काम के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, एक ईमानदारी का एक महायज्ञ मैंने शुरू किया है, आपके आशीर्वाद पूरा देश देख रहा है। ये टीवी वाले आपकी तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हिंदुस्तान को सुना रहे हैं, ये आपके आशीर्वाद पूरा देश देख रहा है। हिंदुस्तान का पूर्वांचल, मेरे देशवासियों, देखिए ये गरीबों की अमीरी देखिए, मेरे देशवासियों ये गरीबों की अमीरी देखिए। ये वो भूमि है जहां से पंडित नेहरू के सामने कहा गया था कि गोबर में से गेहूं निकाल करके धो करके खाना पड़ रहा है। ऐसे गरीब इलाके के लोग ईमानदारी के उत्सव में आशीर्वाद दे रहे हैं, गरीब हमारे साथ है। फिर एक बार तालियां बजाइए भाइयों, देश को पता चले, झूठ फैलाने वालों को पता चले, ईमानदारी के उत्सव में रुकावटें डालने वालों को पता चले। ये लड़ाई है ईमानदारी के लिए है, ये लड़ाई है देश को बेईमानी से खत्म करने के लिए लड़ाई है। आइए आइए मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर एक बार आशीर्वाद दीजिए, माँ गंगा को याद करके आशीर्वाद दीजिए, तालियों के गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।